क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने विकासनगर क्षेत्र का कार्यभार संभालते हुए कहा कि पछवा दून क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चलाएगी और नशाखोरों के अड्डों पर चिन्हित कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बढ़ते हुए ट्रैफिक पर भी अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा लगातार नशे की लत में गिरफ्त होते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही अभिभावकों से भी बात की जाएगी। विकास नगर से महेश रावत की रिपोर्ट। सर, आप ये बताएं, जैसे कि आपने विकास नगर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी का चार्ज संभाला है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सर, मैंने जब से क्षेत्राधिकारी का चार्ज संभाला है तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे मैं नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई के बारे में कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद यहाँ के यातायात व्यवस्था और वेरिफिकेशन एक ड्राइवर चलाई जाएगी। इन तीन फोकस सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद अन्य प्राथमिकताओं को देखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ये यहाँ पर क्षेत्र में जैसे कि अवैध खनन भी बहुत हो रहा है, सर उस बारे में क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? सर, किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? अभी तो पहले इसका सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, और उन जगहों को चिन्हित करने के पश्चात इस पे जहाँ जहाँ पे हमारे द्वारा किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है, उसी आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे युवा पीढ़ी जो है नशे की गर्त में जा रही है, उसके लिए क्या प्लान है आपका? सर, पहले तो सबसे पहले तो हम चिन्हीकरण करेंगे, इस चीज़ का चिन्हीकरण करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है, और हम पूरा पकड़ने के बाद उसकी गहराई तक भी जाने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है और किन किन माध्यमों से ये सप्लाई हो रहा है। तो हम पूरी चेन को कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम बड़ा सा बड़ा काम करें इस नशे के विरुद्ध और इस पर प्रतिबंध लगाएं। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे जो लगातार क्या नाम नशे के उसमें गिरफ्त में जा रहे हैं? हम तो युवाओं को लगातार जागरूक करने की कोशिश करेंगे, स्कूलों में जा कर के उनको बताएंगे कि नशे की लत एक ऐसी लत है जिससे कि आदमी लगातार गर्दिश में ही जाता है, इससे दूर रहें और इससे बचें।